वेलकम बैक टू दिस चैनल, माय नेम इज शालिमा और आप देख रहे हैं लर्न विद शालिमा। गाइस, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एजुकेशन पॉलिसी जो कि नई आई है, नई लागू हुई है, और मैं आपको इसमें बताऊंगी कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं एजुकेशन पॉलिसी में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं, तो आपको ये पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक टीचर हैं, और अगर आप एक टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप टेट, सुपर टेट और बीएड के एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, तो आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें आई हैं, न्यू लागू हुई हैं। तो इस वीडियो में वही सारी टॉपिक्स पे बात करूंगी और एक एक पॉइंट आपको क्लियरली बताऊंगी कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो को एंड तक, ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो थोड़ी सी लेट मैं अपडेट कर रही हूँ क्योंकि आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं आपको जानने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। गाइस, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जो पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी, फर्स्ट पॉलिसी थी, और उसके बाद सेकंड पॉलिसी आई 1986 में, उसके बाद 1992 में ये पॉलिसी रिवाइज हुई, और उसके बाद आज तक कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। बट अभी 2020 में इस एजुकेशन पॉलिसी को दोबारा से लागू किया गया है। मैं आपको बता दूं 34 ईयर्स के बाद ये पॉलिसी आई है अपने इंडिया में, जिसमें कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, और तो और इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी नौकरियां भी आने वाली हैं और बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ बदलाव हो गया है। बिल्कुल जो शिक्षा नीति थी वो बिल्कुल उलट पुलट गई है। और मैं आपको बता दूं एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें और क्या क्या है। सो गाइस, मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1968 में फर्स्ट पॉलिसी आई थी जिसको अभी तक हम लोग देख रहे थे। डॉक्टर डीएस कोठारी की ये रिपोर्ट थी जिन्होंने, जिनकी वजह से पॉलिसी आई थी एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद 1986 में सेकेंड पॉलिसी आई जो कि राजीव गांधी के टाइम पर थी, और उसके बाद 1992 में रिवाइज की गई, और 34 सालों के बाद आफ्टर 34 ईयर्स इसमें चेंज आया है। और ये जो रिपोर्ट है वो है डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट है। ये 31 मई 2019 को ये रिपोर्ट दी गई थी। उसके बाद अभी इसमें इस ईयर्स में 2020 में ये लागू किया गया है, अप्रूव कर ली गई है ये रिपोर्ट। और मैं आपको बता दूं, सो गाइस, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मेन पॉइंट कि इसमें पॉइंट्स कौन कौन से रखे गए हैं और क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे मेन पॉइंट है और सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इन टू मेन स्ट्रीम अंडर NEP 2020। जी हाँ, जितने भी अब तक के 2 करोड़ बच्चे जो कि आउट ऑफ स्कूल थे उनको वापस लाया जाएगा। इस तरह की एक स्कीम निकाली गई है कि जो 2 करोड़ बच्चे हैं उनको वापस लाया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब 2 करोड़ जो बच्चे हैं, जब वो वापस आएंगे स्कूल में, तो उन बच्चों के लिए भी तो नई बिल्डिंग्स बनेंगी स्कूल की, और नए टीचर्स भी रिक्रूट होंगे, और बहुत सारी चेंजेस आएंगे। तो आप ये समझ के बैठें कि जितने भी 2 करोड़ स्टूडेंट्स हैं वो वापस जब आएंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज भी निकलेंगी, तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। तो बढ़ते हैं हमारे पास दूसरे पॉइंट की तरफ कि हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकेंड पॉइंट है, वो ये है 5+3+3+4 फॉर्मैट। ये न्यू फॉर्मैट है हमारा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों के पास 10+2 का फॉर्मेट हुआ करता था, इज इक्वल टू 12 क्लास तक के इसका फॉर्मेट था। बट अभी इसको चेंज कर दिया गया है और इसमें बहुत सारे न्यू एक्टिविटीज़ को शामिल कर दिया गया है और बहुत सारी न्यू चीज़ें आई हैं। तो इस पर भी हम लोग बिल्कुल खुल के बात करेंगे इस टॉपिक पे कि ये क्या है और ये किस तरह से अब अप्रूव हुआ है और किस तरह से इस पर वर्क होगा। दूसरी बात बात करती हूँ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में जो भी चेंजेस आए हैं, मैं इनके बारे में भी आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। तो बने रहिए इस वीडियो को। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है, और अगर आपको पसंद
पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दें इस वीडियो को। गाइज मैं इसको पूरा डिस्कस करने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ ये 5+3+3+4 की जो न्यू फॉर्मेट आया है वो क्या है एग्जैक्टली। तो अगर हम बात करें 5 की, तो 5 जो ईयर का प्लान है वो ये है, 3 से 8 ईयर के स्टूडेंट्स इसमें होंगे और ये फाउंडेशनल होगी। ये किस तरह से चलेगा, ये किस तरह से 5 सालों का काम है। इस 5 सालों को इसको 2 चीज़ों में बांटा गया है, इसको मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास में बांटा गया है, और ये आपकी 3 ईयर्स जो बच्चा होगा, 3 साल तक बच्चा आपका प्ले वे में पढ़ेगा, चाहे वो आंगनवाड़ी हो चाहे वो कोई भी प्राइवेट स्कूल का प्ले वे क्लास हो। तो इस तरह से पहले क्या था, थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते थे तब वो पढ़ाई करना स्टार्ट करते थे, बट अभी यहाँ पे 3 साल से और 8 ईयर्स के स्टूडेंट्स जो होंगे वो 5 साल का इनका पूरा एक एक्टिविटी प्लान बनाया गया है, जिसमें कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और 3 ईयर्स में 3 सालों में बच्चा प्ले वे में पढ़ेगा। ये फाउंडेशनल ईयर है, इसका मतलब ये है कि खेल कूद करके बच्चा अपना पढ़ेगा। दूसरा आपका प्लान है 3+3, तो 3 क्या है, 3 साल का ये प्लान है, इसमें 8 से 11 साल का जो बच्चा है वो प्रीपरेटरी है, और इसमें आपके 3 क्लासेस आएंगे, 3rd, 4th, और इसमें आपका 3 ईयर्स का जो है तो 8 से 11 ईयर्स के स्टूडेंट्स आएंगे और प्रीपरेटरी ये क्लास होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें 3rd, 4th, और 5th क्लास तक के बच्चे होंगे जो कि अपना पढ़ेंगे, ठीक है, अपनी रीजनल लैंग्वेज के बारे में। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि 5th क्लास तक के बच्चे जो हैं वो किस तरह की पढ़ाई करेंगे, वो मैं आपको आगे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगी। उसके बाद है 3rd, जो 3 ईयर्स का दोबारा प्लान है ये वाला, तो 3 ईयर्स में आपके 11 से 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो मिडिल क्लास में आएंगे, और ये आपका होगा 6th, 7th और 8th क्लास। जब 6th, 7th, 8th क्लास आएगा, इसके लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इसमें, और क्या क्या चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जा सकती हैं ये भी सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में आगे। और मैं आपको बताऊंगी जो 4 ईयर्स का प्लान है, यहाँ पे 14 to 18 ईयर्स के स्टूडेंट्स होंगे, सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, और ये इसमें कौन कौन सी क्लासेज आएंगे, इसमें 9th, 10th, 11th and 12th क्लास की ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारे इतने क्लास इसमें आ जाएंगे, और इसके बारे में भी बताऊंगी कि क्या बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे 10th में, या फिर इसमें और क्या क्या जो स्ट्रीम्स हैं वो चेंज हो गई हैं या नहीं हुई हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो कंटिन्यू रहिए इस वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगी हायर एजुकेशन उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उसमें किस तरह से सर्टिफिकेट और किस तरह से आपको डिप्लोमा मिलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो को टिल एंड तक, देखते रहिए, और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना तो बनता है। तो गाइस मैं आपको यहां पे बताने वाली हूं जो कि फर्स्ट पॉइंट है, और फर्स्ट पॉइंट किसके लिए, जो 5 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए क्या चेंज हुए हैं, मैं आपको बता दूं, नो बैरियर लैंग्वेज। इसमें जो बैरियर लैंग्वेज का था कि हम लोग सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही सीखते थे, तो इसमें जो बैरियर्स थे वो हटा दिए गए हैं, नो बैरियर लैंग्वेज। इसमें आप स्टडी इन रीजनल लैंग्वेज टिल 5th स्टैंडर्ड, बच्चे अपनी ही रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी बैरियर नहीं रहा। अब देखते हैं हमारे पास जो 6th, 7th, 8th के बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं, और मैं आपको बता दूं जहां पे ये चेंज आया है कि वो अपनी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ सकते हैं, तो यहां पे भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि बच्चे अपनी तरह से सीखेंगे और अपनी लैंग्वेज में सीखेंगे तो उनको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइज यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5th स्टैंडर्ड तक के क्या क्या चेंजेस हुए हैं, अब मैं आपको बता रही हूँ कि 6th स्टैंडर्ड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये सेकेंड पॉइंट है, और ये अप टू सिक्स क्लास तक जो बच्चे हैं वो वोकेशनल लैंग्वेज को सीख पाएंगे। वोकेशनल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जिस तरह से अगर आपके घर में कोई प्लम्बर आया है और वो कुछ बना रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस हम लोगों से ज़्यादा है, भले ही नॉलेज हम लोगों को ज़्यादा है और हम लोगों के पास पढ़ाई है, अपनी स्किल्स है, बट हम लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है। तो इसके लिए इसको चेंज किया गया है। क्यों चेंज किया गया है, क्योंकि बच्चे अपनी पसंद का कुछ भी वोकेशनल लैंग्वेज को अडेप्ट करे और उसके बारे में सीखे, ताकि वो अपनी तरह से और बेहतर कर पाए अपने इंटरेस्ट को लेके। और दूसरी बात यह है, बच्चा अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है, कोडिंग लाइक पोएट्री, और इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि स्कूल्स में एक्स्ट्रा टीचर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। ऐसा न्यूज़ में आया है कि जैसे कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कारपेंटर या फिर आर्टिस्ट, इस तरह के जो टीचर्स हैं वो अपॉइंट किए जा सकते हैं स्कूल्स में,
और उन बच्चों को उस तरह की ट्रेनिंग्स भी दी जा सकती है अप टू 6th क्लास। सो गाइज, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हमारे पास जो सेकेंडरी स्कूल की जो चेंजेस हुई हैं पॉलिसीज 9th, 10th, 11th, 12th में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मल्टी डिस्प्लेंसरी एजुकेशन है ये, और इसमें जो 9th, 10th, 11th, 12th में जो कि जो यूपी बोर्ड में हो जाता था कि 9 से 10th से ही उनकी स्ट्रीम चेंज कर दी जाती थी, उनको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लेने पड़ जाते थे या वो साइंस साइड या फिर वो आर्ट साइड की, तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं। और तो और इसमें बॉर्डर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स हो गए हैं, जिस तरह का भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है यहाँ पे, और बच्चे अपने चॉइस के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को ले सकता है। अगर वो साइंस साइड, अगर वो बायो पढ़ना चाहता है और अपना मैथ्स भी पढ़ना चाहता है तो साथ में ले सकता है, या फिर अगर वो ड्राइंग लेना चाहता है और बायो भी पढ़ना चाहता है तो भी वो अपने पसंद के सब्जेक्ट्स को चूज करके आगे फील्ड में जा सकता है। और 12th क्लास तक बॉर्डर जो एजुकेशन सब्जेक्ट्स हैं उनमें कोई भी बैरियर नहीं रखा गया है, बच्चे अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स को अडेप्ट कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं, उनको चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करूँगी कुछ हायर एजुकेशन की, हायर एजुकेशन में कि जो बीएससी, बीकॉम और ये सारी चीज़ें करते थे उसमें अभी क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मैं हायर एजुकेशन की बात कर रही हूँ, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स का एक चीज़ रख दी गई है। जिस तरह से पहले हम लोग सोचते थे क्या मैं ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा या फिर अगर मैं कुछ और लेना चाहूं, कोई और सब्जेक्ट सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में लेना चाहूं तो हम लोग नहीं ले सकते थे, बट अभी यहां पे वो सारे बैरियर्स को हटा दिया गया है। और तो और इसमें ये कर दिया गया है कि अगर बच्चा बीए कर रहा है और बीच में अगर वो उसका मन कर गया कि वो बीएससी कर ले या फिर वो एक दो साल वो लीव करके भी अगर वो करना चाहे, तो इसमें ये हो गया है कि फर्स्ट ईयर में अगर वो फर्स्ट ईयर में उसको सर्टिफिकेट मिल सकता है अपना जो भी उसने किया है, और सेकेंड ईयर में अगर वो कोई और डिग्री लेना चाहता है, कुछ और सब्जेक्ट से वो पढ़ना चाहता है सेकेंड ईयर में, तो वो पढ़ सकता है और उसके बाद उसको उस ईयर की डिग्री उसको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर में मिलेगा, जिस जो भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं और आपका मन चेंज हो गया है, आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, कोई और सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। फिर सेकेंड ईयर में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा डिप्लोमा। और थर्ड ईयर, अगर आप थर्ड ईयर में भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं अपनी स्टडीज़ को, और अगर आप उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट्स में तो भी आप सब्जेक्ट को चेंज करके पढ़ सकते हैं और इस ईयर आपको मिलेगा डिग्री। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अब देखना ये है कि उसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है और कितना ज़्यादा उसमें चेंजेस आ सकते हैं और कब तक ये चेंजेस पॉसिबल हैं। तो बढ़ते हैं, हमारे और भी सारी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें जो चेंज हुई हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये किस तरह से अब वर्क करेगा यूटिलाइजेशंस की, क्योंकि कहीं पे भी अभी तक भी बहुत सारी चीज़ें अपने इंडिया में ऐसी हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं और वो अपनी एजुकेशन को सीधी तरह से सही तरह से नहीं कर पाते हैं। तो अभी इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें बहुत सारी ऐप्स और ई कोर्सेस को भी इंक्लूड किया गया है और टीचर्स घर बैठे ऑनलाइन भी पढ़ा सकता है। वो एक टीचर जो बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है वो हर जगह जगह पे जाके नहीं पढ़ाया जा सकता उससे, तो इसलिए इसमें चेंजेस लाए गए हैं और टीचर एक जगह पे बैठ के बहुत सारी जगहों के बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता है। यूटिलाइजेशन का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल आया है, इसमें भी बहुत बहुत सारे चेंजेस होंगे और इसमें भी आगे कुछ और भी हो सकता है। मैं आपको बता दूँ, एक और पॉइंट है विद्या भी एक पॉलिसी है, इसमें भी मैं बहुत सारी जगहों पे बाहर गई हूँ तो वहाँ पे देखा है कि जो हेरिटेज है उनके जो कल्चर से रिलेटेड होता है उसकी भी वो लोग एजुकेशंस देते हैं बाहर कंट्रीज़ में। तो इसी तरह से अपने इंडिया में भी अब ये सारी चीज़ें लागू की गई हैं, एक विद्या करके एक ये जो चीज़ है इसको लागू किया गया है, और इसमें भी बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे अपने कल्चरल और हेरिटेज से रिलेटेड भी उनको एक एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्योंकि उनको पता चल सके कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, जितना उनके परंपराओं से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें उनको पढ़ाया जाएगा तो वो अपने कल्चर को आगे तक ले जा सकते हैं। तो आई होप कि ये जो पॉलिसीज न्यू आई हैं इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो और ये अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर सके और इसमें चेंजेस आए, और देखना ये है कि ये कब तक
हो पाएगा और आई होप कि जल्दी हो जाए क्योंकि ये बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं जो अब नई आई हैं। आई होप आपके पॉलिसीज़ और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई डिटेल में वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये भी एक हमारे इंडिया का पार्ट है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो नई शिक्षा नीति आई है, जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि आप भी पेरेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप टीचर हैं तो भी आपको पता होना चाहिए, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको तो ज़रूरी ही पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपनी फील्ड में जाने के लिए जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। इसी तरह टीचर्स के लिए भी गुड न्यूज़ है और कहीं कहीं पे भी बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि ये भी सुनने में आया है, ये भी उसमें एक पॉइंट है कि जो टीचर्स हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में बिना टेट के आप एंट्री नहीं ले सकते हैं, कोई भी सोर्स लगा के नहीं जा सकते हैं जब तक आपका टेट कम्प्लीट ना हो। तो ये तो एक तरह की बैड न्यूज़ है प्राइवेट टीचर्स के लिए, बट अच्छा भी है कि उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा, एक तरह का उनके पास एक एग्ज़ाम क्लियर करके वो जाएंगे तो वो ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म लगेगा अपना प्राइवेट स्कूल्स में भी और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करें बहुत सारे लोगों के साथ जिनको भी क्योंकि ये न्यूज़ जो है वो सबको इंडिया में पता होना चाहिए। तो प्लीज़ एक शेयर तो बनता है, अगर आप एक शेयर कर देंगे तो लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगी और वो अपने बच्चों के लिए बेहतर तरीके से सोच पाएंगे कि उनको क्या करना है आगे और अपने बच्चे को किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या करवाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आऊंगी कुछ नया आपके लिए, आपसे इंग्लिश रिलेटेड लेसन्स, इंटरेस्टिंग लेसन्स को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।